हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच ऑफ हूज साइड्स मेजर्स 8.8 सेंटीमीटर। दिस वायर इज रीबेंड टू फॉर्म ए सर्कुलर रिंग, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिंग। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है और उसका जो साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड सारे तीनों साइड सेम है, तो साइड हमारा साइड का वैल्यू 8.8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और उसका जो उसी शेप को हम अगर रीबेंड करेंगे, मतलब वो वेयर लेके हमने ट्रायंगल बनाया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, उसी वेयर को हम अगर सर्कल बनाएंगे तो उसी का डायमीटर कितना होगा। करेक्ट। तो पहले हमको ट्रायंगल से उसका पेरिमीटर निकालेंगे, इसको सर्कल के साथ इक्वल करेंगे, इसके बाद निकाल लेंगे साइड ऑफ सेंटीमीटर है कि नहीं। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी पेरीमीटर को हम इक्वल करेंगे सर्कुमफेरेंस ऑफ सर्कल। करेक्ट। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि वही वेयर हमारा दोनों जगह यूज हुआ है। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a, जो कि 3 × 8.8 और उसका 8.8 6.4, क्योंकि यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है। एक डिजिट से, एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो हमने पॉइंट लगा दिया और ये सेंटीमीटर हो गया परिमीटर। अभी हम इसको इक्वल किसके साथ करेंगे, सर्कुमफेरेंस ऑफ सर्कल के साथ। दिस वेयर इज रीबेंड टू फॉर्म ए सर्कुलर रिंग, मतलब हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा, मतलब उसी वेयर को हमने सर्कल बना दिया। तो इसका जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होगा इक्वल होगा सर्कल के साथ, मतलब 26.4 हमारा यहाँ पर निकला, तो 2πr इज इक्वल टू 26.4 है कि नहीं। वही हमको यहां पर लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सर्कुमफेरेंस ऑफ सर्कल, देयरफॉर पाई आर, जो कि 26.4 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो इसी जगह 2 पाई आर मैं एगेन लेती हूं, यहां पर मैं सॉल्व कर लूंगी, आर इज इक्वल टू 26.4 डिवाइडेड बाय 2 × पाई, ये जो 2 पाई मैंने यहां पर डिवाइड कर लिया, इसी को सॉल्व करेंगे, 264 डिवाइडेड बाय 10 10 × 2, और यहां पर क्या रहेगा, इस पाई को 22/7, तो 22 रह जाएगा, 7 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से चेक कर सकते हो। तो यहां पर मुझे माइनस करना है 22 को 11 पे कट करेंगे तो 264 को 11 पे कट करेंगे तो 2 × 4 अगेन कट करेंगे 2 × 12, अगेन 2 × 6, 2 में अगेन कट करेंगे 2 × 3 2 × 5 हमारा कितना आया 7 × 3 21 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आया 5 × 4 20, और उसके बाद हमारा कितना आया
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 21 को 5 4 20 और 1.052 10, तो 4.2 आ जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा रेडियस। पर हमको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2R, जो कि 2 × 4.2। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे इस इक्वल के साथ इसको, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू 2R, जो कि 2 × 4.2 कितना आ जाएगा, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.4 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है कि नहीं। तो डायमीटर ऑफ द रिंग इज 8.4 सेंटीमीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए रोम्बस हैज द सेम पेरिमीटर एज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस मेजर्स 33 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेम उसी तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व किए थे, ट्रायंगल के तरह, ट्रायंगल के साथ हम किसको इक्वल किए थे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को इक्वल किए थे। यहाँ पर रोम्बस आपको समझना है, पहले दिमाग में लाना है रोम्बस मेजर्स 33 सेंटीमीटर, तो रोम्बस का चारों साइड हमारा इक्वल है, तो एक साइड अगर 33 सेंटीमीटर दिया गया है उसका चारों साइड भी 33 33 33 हो गया, तो उसके बाद हमको और भी एक लाइन वो गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ऑलरेडी हमको गिवन है, तो हमको पेरीमीटर इस रोम्बस से निकालना है, साइड ऑफ रोम्बस थर्टी थ्री सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर साइड को लेके, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4a 4 × 33, जो कि 132 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो और दिया क्या गया है, आज पर क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, है कि नहीं। देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना, 132 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के जगह हम 2πr इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर लिख सकेंगे, क्यों, क्योंकि हमको फाइंड आउट द रेडियस, रेडियस निकालना है, r हम रख देंगे 132, और ये जो मल्टीप्लाई 2πr हुआ है ना, डिवाइडेड बाय 2 × 22/7 भी लिख सकती हूँ, अदरवाइज आप पाई भी लिख सकते हो, मैं और एक बार लिख देती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 2π 132 2 × 22/7, तो ये जो 7 है यहाँ पर डिवाइडेड है, इस 7 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो 132 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22 को मैं 44 लिख सकूंगी, इसको 11 में कट कर लूंगी, 4 में 11 में कट हो रहा कि नहीं, 11 वन जा और 11 टू जा, नेक्स्ट ये 3, जो कि हमारा आंसर है 21, क्योंकि यहाँ पर एक 7 है तो रेडियस हमारा 21 है, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। किससे,
क्या हम निकाल रहे हैं वही आपको क्वेश्चन को चेक करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।